अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों को आज इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, मतलब हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें कुछ डेट्स जो हैं मिलना शुरू हो चुकी हैं। इंजीनियरिंग की बात करेंगे और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैं आज बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है, उसकी डेट कब अनाउंस हुई है, कब एंड डेट है अप्लाई करने के लिए और कब उनकी क्लासेस जो है उनका आगाज होगा। पहले तो ये कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे, उन्हें कहूंगा मोस्ट वेलकम। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को क्लिक करना है ताकि आप लोगों को जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो वक्त पर और आप तक पहुंच सके। तो अब आते हैं भी कौन सी यूनिवर्सिटी को हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि है यूईटी पेशावर। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर की हम इस पर बात कर रहे हैं। एडमिशन जो है इनके ओपन हो चुके हैं और एडमिशन की डेट क्या है। पहली बात मैं आपको जरा क्लेरिफाई कर दूं कि यूईटी पेशावर जो है जिसमें कि इंजीनियरिंग जो है वो होती है, ठीक है, विदाउट एंटी टेस्ट उनके एडमिशन नहीं होंगे। तो एंटी टेस्ट होना कंपलसरी है यूईटी पेशावर के लिए और एंटी टेस्ट की जहां तक डेट की बात है तो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक एंटी टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपना जो एडमिशन शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। आप मेरे बैक पे देख भी रहे होंगे उनका एडमिशन नोटिस। ठीक है, 21 जुलाई से ये एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सारा कुछ आपने ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म होगी और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म के थ्रू आप लोग जो है वो यूईटी पेशावर में अपना नाम बना सकते हैं, यानी कि आप अपना जो है एडमिशन वो कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो 21 जुलाई से ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिशन का। और दूसरा ये कि क्लोज डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, तो 13th of August जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, जिसमें कि ये क्लोज हो जाएगा प्रोसेस एडमिशन अप्लाई करने का। अब अपने इस बात को गौर कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि एंटी टेस्ट की डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपने एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन जरूर सबमिट करवा देने हैं, जैसे ही एंटी टेस्ट की डेट अनाउंस होगी यूईटी पेशावर आपको नोटिफाई करेगा और आपने वो एंटी टेस्ट देना है, फिर जाके आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट होगा, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जो क्लासेस जो है स्टार्ट होने जा रही है वो अक्टूबर जो है में जाकर क्लासेस जो है उनका बाकायदा आगाज होगा, यानी 26th of October जो है कि वो डेट है जिसमें कि आपकी क्लासेस जो है यूईटी पेशावर में आप लोगों की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहां तक बात है, आप लोग कंफ्यूज भी होंगे कि यार हमारा पार्ट वन का जो है मतलब अभी सिर्फ रिजल्ट आया, पार्ट टू के भी उन्हें पेपर भी नहीं दिए हुए। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए पार्ट वन में, क्योंकि पार्ट वन ही आप लोगों का जो है वो अभी तक आपका रिजल्ट है। ठीक है, सो पार्ट वन की बेस पर आपका पार्ट टू का रिजल्ट बनेगा। सो मिनिमम 60% आपके मार्क्स हों, और अगर किसी एक स्टूडेंट के जो है एफएससी कंप्लीट हो चुकी थी पहले ही तो उसके भी 60% मिनिमम मार्क्स हों के वो अप्लाई कर सकता है। सो आप लोग जो है इसे देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फर्दर जो है किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए मैं हाजिर हूंगा, देने के लिए हाजिर हूंगा। भाई अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।